दोस्तों अक्सर मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि गाड़ी जो सीज कर लेती है पुलिस किसी रीजन से, पेपर नहीं हो या और कई रीज़न होते हैं और उनका कोई क्लेम नहीं होता, तो उन गाड़ियों की ऑक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है। पहले तो मैं आज की वीडियो में मैं आपको पहले दिखाता हूँ कुछ गाड़ियाँ जो थाने के अंदर खड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये ओडी A4 खड़ी हुई है, क्या हालत हो रखी है इसकी, सीज है। आप देख के ही आइडिया लगा सकते हो कब से ये गाड़ी खड़ी होगी। और जिन गाड़ियों पर कोई क्लेम नहीं आता साल भर तक या डेढ़ साल तक, उसके बाद ये गाड़ी कहाँ ऑक्शन में बेची जाती हैं, कैसे बेची जाती हैं। रेंज रोवर दिखी आपको, ये मर्सिडीज खड़ी हुई है, देखिए रेंज रोवर का नंबर भी 0005 है। वीआईपी गाड़ी, सारी लग्जरी गाड़ियां यहां पे खड़ी हुई हैं दोस्तों। और आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ, आपको दिख रही होगी ये कैप्टिवा खड़ी हुई है सेवरेले की, और इधर लेफ्ट में है ये पोर्चे क्यान। पोर्चे हर करोड़ों रुपये की गाड़ी आती हैं और क्या हालत बन जाती है थानों के अंदर, कोई वैल्यू नहीं है। किस केस में है, क्यों खड़ी होती हैं, ये बात बाद की है, लेकिन अगर कोई क्लेम नहीं आता है कई साल तक, एक साल, डेढ़ साल, दो साल तक, तो पुलिस इन गाड़ियों को कर देती है ऑक्शन में नीलाम। और नीलामी में जो ये गाड़ियां ख़रीदते हैं इनको चमका के कई बार डीलर बहुत मोटे पैसे कमा लेते हैं। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कैसे एक आम आदमी ये सारी गाड़ियाँ आसानी से खरीद सकता है और सस्ते प्राइस पे उन लोगों को मिल सकती है। ये देखिए, यहाँ पर आपको जगुआर दिख रही होगी, 0007 नंबर है। क्या हालत हो रखी है यार, देख के भी मन पे जोर पड़ रहा है। आपको कैसा लग रहा है पहले तो वो बताइएगा कमेंट में जाके। क्या यार, करोड़ों रुपए की गाड़ी का बिल्कुल कचरा बना रखा है। और हाँ, वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी डिस्कशन करने वाला हूँ कि जो एम्बेसी की गाड़ियाँ हैं वो कैसे ऑक्शन में जाती हैं, या फिर जो हमारे बैंक उठा ले जाते हैं जिन गाड़ियों के लोन कम्प्लीट नहीं होते उनका ऑक्शन कहाँ पर लगता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, कहां से पता लगा सकते हैं। पूरी एक सीरीज लेके आने वाला हूं ऐसी ही वीडियोस की। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आगे की डिस्कशन मैं आप लोगों से फेस टू फेस करता हूं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने थाने के अंदर कैसे लग्जरी गाड़ियों पर धूल चढ़ी हुई है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, आपके भी मन में आता होगा कि पुलिस आखिर इन गाड़ियों का करती क्या है, या फिर आम लोग इन गाड़ियों को, जब पुलिस इनकी करती है नीलामी, आम लोग इन गाड़ियों को कैसे खरीद सकते हैं। और इस वीडियो में एक और बात करने वाला हूं मैं आप लोगों से, जो मैंने फॉर्च्यूनर वाली वीडियो बनाई थी उसके बारे में भी आपसे लास्ट में बात करूंगा, पहले पुलिस ऑक्शन वाली मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं दोस्तों। अब पुलिस इन गाड़ियों का ऑक्शन हर साल करती है, बल्क में गाड़ियां बेचती है या फिर स्क्रैप में बेच देती है, सारी डिटेलिंग जहां भी मैंने जानने की कोशिश की अभी मुझे नहीं मिल पाई है पूरी की पूरी। मैं जाने वाला हूं कल मॉडल टाउन, जहां पे हर साल लगभग लगभग पूरी कई सौ गाड़ियों की ऑक्शन लगती है, और वहां पे मैं ऑफिशियल से बात करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊंगा कि कैसे एक आम जनता इन गाड़ियों को खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती है और कितने प्राइस तक मिल जाती है। उसके बाद एक और चीज बड़े काम की मैं आपको बताने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। हर देश की एम्बेसी होती है इंडिया के अंदर, तो जैसे ही एम्बेसी वाले ये अपना चेंज करते हैं स्टाफ, तो जितना भी पुरानी गाड़ियों का लॉट होता है या जितनी भी पुरानी गाड़ियां होती हैं, एक दो साल चली हुई गाड़ियां होती हैं, मुश्किल से तीन साल, उन गाड़ियों को बहुत सस्ते प्राइस पे बेच देते हैं। आने वाली वीडियो में वो भी बताऊंगा कि उनकी ऑक्शन कहाँ पे होती है या वो गाड़ियां किसके थ्रू आप लोग खरीद सकते हैं। और एम्बेसी की जो गाड़ियां होती हैं दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूं एक नंबर की जेन्युइन पीस होती हैं, उतनी अच्छी गाड़ी तो आपको सेकेंड हैंड मिल ही नहीं सकती। तो एम्बेसी की गाड़ियों की वीडियो देखने के लिए तो पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाले टाइम में आपको जानकारी जरूर मिलने वाली है। और मैं बताऊंगा जो बैंक गाड़ियां उठा लेते हैं जिन गाड़ियों के ऊपर लोन होता है या बहुत सारे वो ईएमआई वगैरह चुका नहीं पाते, बैंक लोन वाली गाड़ी अपनी उठा के ले जाते हैं, उन गाड़ियों की नीलामी कहाँ कैसे होती है, ये जो ट्रिक है इनसे क्या होता है, आपको एक सस्ती और जेन्युइन गाड़ी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है प्राइस में थोड़ी कम होगी और जेन्युइन चीज मिलेगी आप लोगों को, तो वो जानकारी मैं आप लोगों को जल्दी ही देने वाला हूं। दोस्तों, जो मैंने सस्ती गाड़ी डीजल की 10 साल पुराने वाली एक वीडियो बनाई थी कि 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली से बहुत सस्ती मिल रही है डीजल में, और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो बहुत सस्ती मिल रही है, उस पर भी मैं दोस्तों अभी लिस्ट बनाने में आप लोगों से कहा था कि अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाऊं, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक दो गाड़ियों का नंबर आपको दे दूं, तो यार आप खुद सोचिए इतने सारे सब्सक्राइबर हैं और कितने कॉल जाएंगे एक दो बंदे पे, तो मैं सोच रहा हूं कि 50, 60 या कुछ इस तरीके का आपको फोन नंबर
प्रोवाइड करा दूं कि भाई आप कॉल कर सकें, आप बात कर सकें और एक अच्छी डील आप लोगों को मिल सके। तो सब चीजों पे काम चल रहा है। और हाँ, ये जो मैंने ऑक्शन वाली बात बताई है, एम्बेसी वाली, बैंक वाली, और जो हमारी दिल्ली पुलिस या और स्टेट पुलिस जो है वो कैसे गाड़ियां बेचती है, कहाँ से आपको उनका नंबर मिल सकता है या कैसे आप ऑक्शन से वो गाड़ियां खरीद सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आने वाली वीडियोज में लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर तक अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकन आता है उसको भी दबा लें। और लेटेस्ट जो मैं अपडेट है वो इंस्टाग्राम पे भी डालने वाला हूं जल्दी ही। यहां मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी अरुण कुशल खत्री के नाम से, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज भी वहां पे भेज सकते हैं। तो कीप वॉचिंग जिप ऑफ लाइफ, बहुत ही अच्छी अच्छी जिप्स ओपन होने वाली है लाइफ की इन वीडियोज में आने वाले टाइम में, तो प्लीज वीडियो पे बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।